अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो ये कुछ कैक्टस एंड सकुलेंट्स की किस्में हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो लोग इनका शौक रखते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी। अभी मैं सिर्फ ये वैसे ही अपलोड करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं हर एक का इंट्रोडक्शन और बाकी उनकी जो फर्दर उनकी किस्में वगैरह ये सब वो मैं अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। इनको इन इस एनवायरनमेंट में डालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो ज़मीन पर भी उगा के देखे हैं लेकिन वो नुकसान ही हुआ है, हमें उगाए जाते हैं। इनमें जो सबसे ख़तरनाक है ना, जिसके कंडे अगर कहें तो वो ये वाला है, इसके कंडे बहुत ख़तरनाक हैं। एक दो और भी हैं लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक कंडे हैं इसके, ये ढूंढने से भी नहीं मिलते। ये देखें, ये भी आपको काफ़ी अच्छा देगा शायद। तो ये गोल कंडे वाले हैं, ये वाले, ये पता तो नहीं चलता, ये कपड़ों के साथ लग जाता है लेकिन रात को जब सोते हो ना तब ये अंदाज़ा होता है कि ये कपड़ों के अंदर गया हुआ है और फिर वो बड़ी ज़ोर से चुपता है। ये जो किस्में हैं, ये एक दो बार उर्दू पॉइंट वाले भी, जो इनका यूट्यूब चैनल है उर्दू पॉइंट है या पता नहीं किस तरह करके कोई और था, वो भी आए थे स्पेशल ये देखने के लिए। उन्होंने फिर वीडियो भी सारी बनाई थी, इंट्रोडक्शन वगैरह किया था हमारा भी। तो ये साल डेढ़ साल पहले की गलबन बात होगी। वेदर काफ़ी हार्श होता है हमारे इधर, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अगर सर्दी का देखें तो सर्दी भी बड़ी पड़ती है, बारिशें तो बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इनको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता तो काफ़ी नुकसान तो होता ही है फिर, लेकिन फिर जो शौक रखते हैं फिर उनका उन्होंने अपना शौक भी तो पूरा करना होता है ना। जैसे उन्हें तो ये सिर्फ अभी ये छत पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे ऊपर वाली जो छत है, उसके बाद एक जो दरम्यान वाला पोर्शन है उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ है इन चीज़ों से, इनसे अच्छी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। एक तो आप खूब भी जानते ही होंगे एलोवेरा की किस्म है, एलोवेरा की और भी बड़ी किस्में तो लगी हुई है हमारे पास। ये देखें आप, ऐसी चीजें आपने देखी होंगी, ये आपको उधर जो है ना
मडगास्कर जो है ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है, जो वहाँ से भी कई चीज़ें आई हुई हैं, कीनिया से आई हैं, बाकी मेक्सिको, यूएसए, थाईलैंड वगैरह, ये मैंने वहाँ से जो है ना इम्पोर्ट की हुई हैं। ये देखें उगे हैं, ये फाड़ के बाहर आ रहे हैं। कई मारे ऐसी गल सा रहे हैं तो वजह नहीं, कई बार देते हैं हम तो। ये हमने वैसे पुदीना उगाया हुआ, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मिर्च उतार लेते हैं। ये पपीते उगे हैं, वैसे ये आम से पौधे हैं, हमने ये वैसे शौकी ही उगाए हुए हैं। और ये है सरसों, ये आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ उधर। ये है सबसे खतरनाक, जिसके कंडे होते हैं ना, एक उस तरफ पड़ा था और एक इस तरफ पड़ा हुआ है। और बाकी ये नीचे वाले पोर्शन पे कुछ रखे थे हमने हेड में, वो फिर किसी दिन इंशाल्लाह जो है ना नीचे कुछ आम सी चीज़ें हैं, ये आपको वैसे भी देखने के लिए मिल जाएंगी। आम नर्सरी वगैरह में भी अगर लाहौर फैसलाबाद में जाए ना तो गुजरांवाला में तो मुश्किल ही है कि हम गुजरांवाला में हैं अभी। मैंने कैरिजोना इधर ही हमारा जो अमरीका कैरिजोना रियासत है जो बड़ी मशहूर है ना, उन्होंने तरीका तो नहीं बनाई हुई है। एक एक्ट्रेस पड़े हुए हैं मेन जो है आम जो बड़े मशहूर होते हैं वो ये एक्ट्रेस। ये जो कूलेंट्स के एक्ट्रेस वगैरह उनकी सारी किस्में हैं। आप ये भी देख लो, तो वाकई आपको कई ऐसी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी जो आप आम नहीं देख सकते। पूरे पाकिस्तान में शायद ही चंद बंदों के पास हों, वो पूरा पड़ा हुआ है। देखते हैं ये क्या चीज़ है, कईयों ने ये भी नहीं देखी होगी, लेकिन ये पूरा चेक करें आप। ये आपने नहीं देखा होगा, ये देखें। ये भी हमने कंपटीशन हुआ था फैसलाबाद में 2018 में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने साथ किसी और के साथ मिलकर कंपटीशन हुआ था, तो इससे भी हमें फर्स्ट पोजीशन जो थी ना वो लेके दी थी कंपटीशन में इस पौधे ने।
बाद में अपलोड। तो ये इतनी ज़्यादा किस्में हैं ये देखें, तो पूरी इस वीडियो में मैं कवर तो नहीं कर सकते, इनके लिए लहदा एक मौजू बना के हर पौधे का। तो ये देखें ये ऐसे जैसे रुई है लेकिन उसको हाथ लगाएं तो चमड़ती है सर। बहुत ज़्यादा वो देखो वो पेड़ा भी पड़ा हुआ है इधर भी बहुत जल्दी। फिर किसी दिन मौका मिलेगा तो करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है जी, अब हमें दीजिए आप इजाज़त, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको थोड़ी और तफसील डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जाते हुए चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।